नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं पगार बुक्का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो एग्री बिल सीरीज का सेकंड वीडियो है, जिसमें कि हम फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 पे बात करेंगे और इससे जुड़े सारे प्रोविजन भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने इससे पहले के वीडियो में पहले बिल यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन पर डिटेल्ड जानकारी दी है और इन नए कृषि कानूनों को समझने के लिए आप वो वीडियो भी जरूर देखें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आइए अब बात करते हैं फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट 2020 की। क्या है इस बिल के मेन प्रोविजंस? फार्मर्स को व्यापारियों, कंपनियों, प्रोसेसिंग यूनिट्स, एक्सपोर्टर्स से सीधे जोड़ना, फार्म लॉस के थ्रू सोइंग यानी कि बुआई के पहले ही किसान की फसल की कीमत तय करना, बुआई से पहले किसान को दाम की सिक्योरिटी और दाम बढ़ने पर मिनिमम वैल्यू के साथ एडिशनल प्रॉफिट। यहां सरकार ये भी दावा कर रही है कि इस बिल की मदद से बाजार की अनश्योरिटी की जोखिम किसानों से हटकर स्पॉन्सर्स पे चली जाएगी। कीमत पहले ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का गलत प्रभाव किसानों पे नहीं पड़ेगा। इससे किसानों की पहुंच लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और टॉप क्वालिटी खाद बीज तक होगी। इससे मार्केटिंग की लागत कम होगी और किसानों की इनकम बढ़ेगी। किसी भी डिस्प्यूट की कंडीशन में उसका निपटारा 30 दिन में स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। साथ ही एग्रीकल्चर में रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जो शंकाएं इस बिल को लेकर किसानों के मन में है उनकी बात करें तो ये पता चलता है कि इस बिल से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म सेटलमेंट में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वो वाजिब कीमत डिसाइड नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्पॉन्सर्स उनसे परहेज कर सकते हैं। साथ ही नए स्ट्रक्चर में किसानों को परेशानी होगी और डिस्प्यूट के मामले में बड़ी कंपनीज का फायदा होगा। हालांकि सरकार जो स्पष्टीकरण दे रही है उसके अनुसार किसानों को कॉन्ट्रैक्ट में पूरी फ्रीडम मिलेगी और वो अपनी मर्जी से कीमत तय कर फसल बेच पाएंगे। उन्हें मैक्सिमम 3 दिन के भीतर पैसे मिल जाएंगे। और तो और अभी देश में 10,000 फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी। ये FPOs छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में सही फायदा दिलाने में मदद करेगी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसान को व्यापारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। बायर कंज्यूमर उनके खेत से ही फसल लेकर जा सकेगा और डिस्प्यूट की सिचुएशन में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। इन प्लेस ही मामलों को निपटाया जाएगा। गवर्नमेंट अपना पक्ष ये रख रही है कि वो इस बिल के जरिए किसानों और प्राइवेट कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए रास्ता तैयार कर रही है। इसके तहत आपकी जमीन को एक डिफाइंड कीमत पे एक कैपिटलिस्ट या ठेकेदार किराए पे लेगा और अपने हिसाब से फसल उपजाकर बाजार में बेचेगा। लेकिन किसानों को इस पर ये कहना है कि ये तो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत जैसी है। कुछ एक किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहते हैं, लेकिन नुकसान तो कोई भी नहीं चाहता। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आएगी जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा किसान और ठेकेदार के बीच। विवाद की कंडीशन में जो डिस्पोजल कमेटी बनेगी उसमें लोग तो दोनों पक्षों के होंगे, लेकिन आशंका ये है कि जो पैसे से मजबूत है वो महंगे से महंगा वकील लेकर आएंगे और फिर किसान उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम किसान तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाएंगे, उनकी डिटेल समझने में उन्हें और भी कठिनाइयां हो सकती हैं। यहां तक कि इस लॉ के अकॉर्डिंग पहले किसान जो है वो अपना डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ 30 दिन के अंदर निपटाएंगे और अगर नहीं हुआ तो देश की ब्यूरोक्रेसी को अप्रोच करेंगे। अगर मामला नहीं सुलझा तो फिर 30 दिन के लिए एक ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे जहाँ हर जगह SDM अधिकारी मौजूद रहेगा। किसानों को इस बात से भी परेशानी है कि उन्हें सेक्शन 19 के तहत सिविल कोड के राइट से भी वंचित रखा गया है। ऐसी सिचुएशन में कौन सा किसान ये चाहेगा कि वो महीनों लगकर अपनी उपज के लिए सही दाम हासिल करे? फसल की देखभाल की जगह क्यों वो अपना वक्त इन कानूनी पचड़ों में जाया करे? वहीं सरकार ये कह रही है कि हमने 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का आश्वासन दिया है, जिसके लिए ये बिल जरूरी है। जबकि किसान ये कह रहे हैं कि इसके प्रभाव में देश के 14 करोड़ किसान परिवार आएंगे। उनकी मांग है कि उनको MSP के लीगल राइट्स दिए जाएं, ऐसा स्ट्रक्चर हो कि कोई उनकी फसल नुकसान वाले रेट पे ना खरीदे और अगर कोई ऐसा करे तो उस पर कानूनी कार्यवाही हो और सरकार या संबंधित व्यक्ति उनकी भरपाई करे। इन सारे हालातों के मद्देनजर देखना ये है
की सरकार किस प्रकार किसानों को भरोसा दिलाती है और अपने किए गए वादों को निभाती है। तो ये थी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट बिल पर हमारी तरफ से तमाम जानकारी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें आप जरूर बताएं और अपने प्रश्न भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, पगार बुक को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में कृषि कानून के तीसरे बिल द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट 2020 पे जानकारी लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।